أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النذر وتوابعه من العهد واليمين وشرط النذر الكمال بالبلوغ والعقل والاختيار किताब कफारात ख़त्म होने के बाद अगली किताब हम शुरू कर रहे हैं, किताब नज़र है। और उस किताब नज़र के ज़मीन में दो और मौजू भी महलबास है, वो किताब नज़र के तवाबे शुमार होता है, वो आहद और यमीन है। और नज़र ये आम तौर पर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ना, नज़र या मिन्नत मांगना। आहद यानी खुदा से वादा करना, यमीन कसम खाना, ये तीन चीज़ें हैं। और हर एक की तारीफ और उसका सिगा, हर एक का सिगा अलग है, कसम का तरीका अलग है, वो बाद में तफसीलात बताएंगे। सबसे पहले मुसन्निफ ने नज़र और कसम और आहद करने वाले के शराइत बताया है। तो नज़र के जो अहकाम है वो तकरीबन बाकी अहद यमीन के लिए भी लागू है, उनके लिए अलग बताने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए शहीद ने सबसे पहले नज़र करने वाले नाज़िर के शराइत बताया। नाज़िर के लिए पांच शराइत यहाँ जिक्र किया है। और यहाँ एक अदबी नुक्ता भी है, वो ये है कि मुसन्निफ़ ने किताब नज़र व तवाबिहु, तवाबे जमा है ताबे का, ताबे मुफ़रद है, तवाबे जमा है। तो कोई इश्काल कर सकता है यहाँ पे, तवाबे नज़र तो दो चीज़ें हैं, आहद और यमीन। तो मुसन्निफ ने यहाँ पे कैसे फरमाया तवाबे जमा लाया? तो जमा में अकल जमा कितना होना चाहिए? तीन होना चाहिए ना, अकल जमा तीन होना चाहिए। यहाँ तो दो चीज़ें हैं, इसके लिए मुसन्निफ ने जमा का सिगा क्यों इस्तेमाल किया? तो जवाब ये है कि जमा इल्म ना हो यानी इल्म अदबियात वालों के पास जमा तीन अफराद या उससे ज़्यादा पर लागू होता है, जमा का सिगा इस्तेमाल होता है। लेकिन मंतिकीन और लुगत वालों के पास जमा दो और दो से ज़्यादा पर इतलाक होता है। जम मंतिकीन मशहूर है, इस्तिलाह है, मंतिकीन के नज़दीक दो अफराद पर भी जमा का सिगा इस्तेमाल होता है। इसीलिए मुसन्निफ ने मंतिकीन के रविश पर अमल करते हुए तस्निया के लिए भी जमा का सिगा इस्तेमाल किया है। ये मतलब वाज़ह हो गया, ये किताब में नहीं आया, इजाफी एक नुक्ता आपको बता दिया। सबसे पहले नज़र करने वाला कैसा बंदा होना चाहिए? जिसका नज़र सही हो, शरई नज़र हो, उसके लिए शराइत बताया, पांच शराइत है। अगर पांच शराइत काबिल हो तो नज़र सही है, वरना सही नहीं है। अगर उन पांच शराइत में से अगर कोई एक शर्त कम पड़ जाए तो शर्त सही, वो नज़र सही नहीं होगा। पहली शर्त क्या है? नाज़िर कामिल होना चाहिए, नाज़िर नज़र करने वाला बंदा कामिल हो। कामिल का मतलब यानी बालिग भी हो और आकिल भी हो, बुलोग और आकिल को मिला के कामिल का माना किया है कि वो शख्स यानी आकिल भी हो और बालिग भी हो। बस इस शर्त की बुनियाद पर क्या खारिज होगा? बुलोग की शर्त से बच्चे का नज़र सही नहीं होगा, जो नाबालिग बच्चा है अभी तक बालिग नहीं हुआ, चाहे वो मुमय्यिज हो या गैर मुमय्यिज हो, अच्छाई हो बुराई समझने वाला बच्चा हो या ना हो, सभी का नज़र मुतलकान बातिल है। नहीं है और आकिल की शर्त से क्या खर्च हो गया? मजनून, हाँ जो दीवाना है। और मजनून के भी अकसाम है ना, मजनून है, अदवारी है, अकबाकी है, और इसी तरह सकरान जो मस्ती में नज़र करेगा उसका नज़र भी गलत होगा। बस सबसे पहली शर्त कामिल हो, कामिल यानी बालिग भी हो आकिल भी हो। दूसरी शर्त इख्तियार, यानी इंसान अपनी मर्जी से नज़र करे, जबर ना हो, कोई ज़बरदस्ती ना करे, हाँ ज़बरदस्ती नज़र ना कराए। अगर किसी को ज़बरदस्ती नज़र करने पर मजबूर करे, अपनी मर्जी ना हो, तो उसका नज़र बातिल है। और तीसरी शर्त कासिद होना चाहिए, इरादा, यानी नज़र का जो माना है, जो मफहूम है, उसकी तरफ इंसान इरादा और कासिद करके नज़र करे। अगर कोई खेल में या मजाक में या जो है
खामखा किसी को धोखा देने के लिए नजर करे तो वो नजर सही नहीं होगा, क्योंकि अगर अबस और लाभ लाहौल में या मजाक में नजर करे तो वो इरादा नहीं है, उसका इरादा है जिद्दी, जो जिस काम को अंजाम देने का मकसद असली है वो नजर नहीं है बल्कि कोई और चीज़ मकसद है और नजर को इस्तेमाल किया है, ऐसी सूरत में नजर सही नहीं होगा। ये चार शराइत हो गए, नहीं तीन शराइत हो गए, कमाल, इख्तियार और कसिद, तीन हो गए। चौथी शरत इस्लाम है, यानी नजर करने वाला मुसलमान होना चाहिए। अगर नजर करने वाला काफिर हो तो नजर बातिल है, सही नहीं है। काफिर से भी अकसाम है, काफिर जिम्मी है या काफिर हरबी है, बहरहाल जो भी काफिर के अकसाम हो उसकी नजर बातिल है। इसकी वजह शहीद सानी ने बताया, चूंकि काफिर कस्द कुर्बत नहीं कर सकता, चूंकि नजर में नियत होनी चाहिए और कस्द कुर्बत भी होनी चाहिए, तो कस्द कुर्बत काफिर की तरफ से सही नहीं है, क्योंकि काफिर तो असलन अल्लाह को ही नहीं मानता है, और जो अहले किताब है वो भी अल्लाह के बारे में जो तसव्वुर है वो शिर्क वाला है, तो इनकी तरफ से कस्द कुर्बत नहीं हो सकती है, इसलिए काफिर का नजर बातिल है। पांचवी शरत हुर्रियत की शरत है, आजाद होना चाहिए। नजर सही होने के लिए नजर करने वाला बंदा आजाद हो, किसी का गुलाम ना हो, नजर करने वाला शख्स आजाद होना चाहिए। अब ये पांच शराइत मुसन्निफ ने फरमाया, उसके बाद कह रहा है कि गुलाम अगर नजर करे तो उसके नजर सही होने के एक दो सूरतें बताया है। वो एक सूरत तो ये बार फरमा रहा है कि इल्ला अय्युजीज़ल मालिक, अगर गुलाम नजर करे सिगा नजर पढ़े तो, या नजर का सिगा पढ़ने से पहले मालिक इजाजत दे दे, यानी अपने मौला इजाजत दिया है पहले से तो नजर सही होगा, या सिगा नजर के बाद वो इजाजत दे दे यानी इज़्ज़त दे दे। गुलाम को मौला ने इज़्ज़त दिया, इज़्ज़त देने की दो हालत हो गए ना, या सिगा नजर अंजाम देने से पहले एडवांस इज़्ज़त दिया हुआ है, या सिगा नजर अंजाम देने के बाद नजर, वो क्या है, नजर का इजाजत दिया है, क्योंकि ये लफ्ज इज़्ज़त और लफ्ज इजाजत में थोड़ा फर्क है। हाँ ठीक है, हाँ इज़्ज़त तो पहले होता है, इजाजत बाद में होता है। जी जी, ये दोनों हालत में गुलाम का नजर सही है। अम्मा एक शर्त यह है कि अगर मौला ने गुलाम के नजर का सिगा अंजाम देने के बाद इजाजत दी हो तो उस सूरत में सही है, अगर मौला ने पहले नजर को हल नहीं किया हो, हल की बात किया, हल यानी खोलना, अगर मौला ने एक दफा नजर का सिगा तोड़ दिया यानी हल किया, खोल दिया, बातिल कर दिया, तो दोबारा इजाजत देने से फायदा नहीं होगा, तो कबल हल मौला इजाजत देना उसको बातिल करने से पहले होना चाहिए। अगर एक दफा मौला ने गुलाम के नजर को बातिल कर लिया तो दोबारा इजाजत देने का फायदा नहीं होगा। या तीसरी हालत में भी गुलाम का नजर सही है कि औ तजूल रक्या, या नजर का सिगा अंजाम देने के बाद अभी तक मौला ने नजर को बातिल नहीं किया है, उससे पहले उसकी गुलामी खत्म हो जाए यानी आजाद हो जाए, बंदा आजाद हो गया तब भी नजर सही हो जाएगा। फिर मजीद कुछ और बातें हैं, वो इंशाल्लाह इबारत में आने वाली है, खुलासा तो इतना काफी है। किताब नजरी व तवाबिहू, या व तवाबिही कहना चाहे नजर पर आतुब करे तो किताब नजरी व तवाबिही मिन अल अहद व अल यमीनी, ये किताब नजर वाली किताब है, मिन्नत मानने की किताब, और नजर के तवाबित वाली किताब है। तवाबित नजर क्या है, मिन बयानिया से शहीद सानी ने वजाहत किया, मिन अल अहद व अल यमीनी, तवाबित नजर दो चीजें हैं, या अहद है, अहद यानी अल्लाह से वादा और अहद करना, वल यमीन और कसम खाना, ये दोनों नजर के तवाबी में शुमार होता है। अहद और वादा एक अहद वादा है ना, ये तो अहद करने का आम वादा मुराद है, ये अल्लाह से वादा करना होता है अहद,
ये हर एक का तरीका बाद में बताएंगे। हाँ, नजर का तरीका उसका सिगा अलग है, अहद का सिगा अलग है, कसम खाने का तरीका अलग है। हाँ, ये सब जो है अहकाम तकरीबन एक जैसे है, लेकिन इनके हकीकत और माहियत अलग है। सिगा अलग अलग सिगे होते हैं, वो बाद में आने वाले। आप यहाँ मुसनफ ने पहले नहीं बताया है, यहाँ तक तर्जुमा समझ में आया? जी हाँ सर। वशर्त नाज़िर अल कमाल, नजर करने वाले की शर्त कमाल होना चाहिए। कमाल की शर्त है, कमाल किसके जरिए से होगा? बिल बुलोग वल अक्ली। एक तो बालिग होने के जरिए से काबिल होना चाहिए, दूसरी चीज जो है अक्ल होनी चाहिए। बंदे के पास अक्ल हो तो नजर सही है। एक शर्त यह है बस, अक्ल और बुलोग मिला के कमाल के माना में आएगा। वल इख्तियार, और दूसरी शर्त, इंसान अपने मर्जी से नजर करना चाहे, जबर और इकरा और जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। वल कस्दु इला मतलूल सीगती, और तीसरी शर्त यह है कि नजर करने वाला सीगे नजर के माना और मतलूल की तरफ इरादा होना चाहिए। यानी उसको उसके दिल में ये बात होनी चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये नजर में कर रहा हूँ, और नजर का मतलब भी उसको समझ में आना चाहिए, और नजर का जो सिगा जबान पर जारी कर रहा है तो उसके साथ साथ उसके दिल में भी इरादा हो। बगैर इरादा के नजर नहीं होना चाहिए। वल इस्लामु, और चौथी शरत, नजर करने वाला बंदा मुसलमान होना चाहिए। काफिर की नजर सही नहीं है, वो बाद में ये तमाम शराइत का जो शराइत से खारिज होने वाली चीज़ें बाद में बता रहे हैं। और आखिरी शरत वल हुर्रियतु, आज़ाद होना चाहिए। गुलाम या कनीज नजर करे तो नजर सही नहीं है, अम इनके नजर सही होने की दो तीन सूरतें आखिर में बताया है। अगर मौला इजाज़त दे या इज़्ज़त दे दे या उनकी रफ़ियत ख़त्म हो जाए तो नजर सही होगा, लेकिन इब्तदाई शरत यह है कि वो नजर करने वाला बंदा आज़ाद शख्स होना चाहिए। बस ये पांच शराइत पूरे कर लिया। अब शहीद सानी, इन शराइत से जो चीज़ निकल जाती है यानी जो सूरतें निकलती है वो अलग यहाँ से बता रहे हैं। फला यनअक़िदु नज़रु सबी वल मजनून मुतलकन। बस पहली शरत की बिना पर, कमाल की शरत की बिना पर दो अफराद का नजर सही नहीं होगा। एक तो बच्चे का नजर सही नहीं है, क्यों? बच्चा बालिग में है। वल मजनून, और पागल का नजर सही नहीं है। मुतलकन, मुतलकन ये सभी और मजनून दोनों के साथ मरबूत है। हाँ, बच्चे का नजर मुतलकन सही नहीं है, चाहे बच्चा मुमैज हो या ना हो। मुमैज बच्चा यानी वो बच्चा जो अच्छाई और बुराई समझ सकता है, जैसा कि 10 साल वाला बच्चा, 12 साल वाला बच्चा हो तो फिर मुमैज कहलाते हैं। गैर मुमैज छोटा बच्चा है, मसलन 2 साल 5 साल वाला बच्चा अच्छाई बुराई नहीं समझ सकता है। तो जो भी हो, बच्चा मुमैज हो या गैर मुमैज हो, मुतलकन नजर सही नहीं है। मजनून मुतलकन, ये मुतलकन मजनून के साथ भी कैद है, तो मुतलकन मजनून का नजर भी सही नहीं। मजनून के दो अकसाम है, मजनून अदवारी, मजनून अतबाकी। सुना है नहीं सुना आज तक? हाँ, मजनून अदवारी वो पागल है जो हमेशा पागल नहीं है बल्कि कुछ दिनों के लिए उसको जुनून का दौरा पड़ता है। अतबाकी वो पागल है जो हमेशा पागल होता है। तो मजनून अदवारी जब उसके अकल ठिकाने पर हो तो ठीक है, लेकिन अकल ठिकाने पर नहीं है, उसके अकल छुट्टी पर है या ऊपर वाली मंजिल खाली हो गई है। जब ऊपर वाली मंजिल किराए पे दिया हो उस वक्त उसका नजर सही नहीं होगा। ये आजकल का इस्तेमाल है। ऊपर वाली मंजिल वलल मुकरह, यानी ये इबारत इस पर मरबूत है। फला यनअक़िदु नज़रुल मुकरही, मजबूर शख्स का नजर सही नहीं होगा, मुनाक़िद नहीं होगा। ये किस शर्त से खारिज हो गया? इख्तियार की शर्त है। जब नजर करने वाला अपनी मर्जी से नजर करे तो किसी को जबरदस्ती नजर कराए, पिस्तौल दिखा के भाई नजर करो वरना दिमाग उड़ा दूंगा कह दिया, एक बकरा नजर करो, या किसी और तरीके से बेचारे को मजबूर करके नजर करने पर लाचार मजबूर हो गया तो नजर सही नहीं है।
वला गैरुल कादिरी नहीं कासिदी कासिदी हाँ गैरुल कादिरी नहीं है भारत हमारी किताब में थोड़ा गड़बड़ लिखा होता है इसलिए गलत हो गए वला गैरुल कासिदी यानी वला यनअक़िदु नज़्रु गैरुल कासिदी और उस शख्स का नज़र भी सही नहीं है जो सिगे का इरादा नहीं करने वाला है जी कस के सामने ये ऊपर वाली जो शर्त है कसिद है इसके जरिए से ये सूरत खारिज हो जाएगी जैसा कि कमूक सिगतिही आदिसन वला इबन औला इबन जैसा कि वो बंदा जो सिगे नज़र को वाक़े करने वाला है आदिसन यानी खेल में मजाक में औला इबन ये अबस अल्लाब दोनों तकरीबन एक माना है थोड़ा सा फर्क है अबस में कोई फायदा नहीं है असलन कोई फायदा मद नज़र नहीं है और लाइब में कहते हैं कि थोड़ा फायदा जहन में रख कर वो काम किया जाता है जिस तरह जो खेल मैच वगैरह करते हैं ना तो फ्रेश, वो, फ्रेश के लिए या वर्जिश के लिए बाहर उसको लाइब कहते हैं लाइब यानी खेल जी। तो अगर आप नज़र को मजाक में खेल में अंजाम दे दे तो नज़र सही भी होगा क्योंकि खुद सिगे नज़र की तरफ इरादा नहीं किया है ठीक है औ सकराना ये अतुब है ऊपर वाले इबारत पर दोबारा फला यनअक़िदु नज़्र सकराना और मस्त बंदे का नज़र भी मुनाक़िद नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी मस्त बंदा सिगे नज़र का इरादा नहीं करने वाला है औ ग़ाज़िबन ग़ज़बन यरफ़ क़स्दुहु इलैही या ऐसा बंदा जो गुस्से के हालत में नज़र करने वाला है इतना ज़्यादा गुस्सा आया है कि यरफ़ क़स्दुहु इलैही उसका इरादा नज़र करने की तरफ ख़त्म हो गया है यानी इंसान कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो असलन उसको अपने आज़ा पर कंट्रोल ही नहीं रहता देखा नहीं देखा ऐसे बंदे जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने की वजह से असलन वो हालत उसकी गैर हो जाती है और जो काम कर रहा है उसको पता भी नहीं चलता है मैं क्या कर रहा हूँ मैं मुंह से क्या बक रहा हूँ क्योंकि जो ज़्यादा गुस्सा आने वाले हैं ना मुंह से गालियाँ भी देते हैं तो कुछ लोग अकल ठिकाने पर आने के बाद कहते हैं भाई मैंने मुँह से जो कहा वो मुझे याद ही नहीं है गुस्से में मैंने कहा था मुझे असलन पता ही नहीं चला ये ऐसे भी लोग होते हैं इन्हें गुस्सा हदीस के मुताबिक गुस्सा शैतान की तरफ से लगाई गई आग है और गुस्सा जब इंसान को आ जाए तो इंसान की अक्ल जो है ज़ाहिर हो जाती है मुकम्मल बाज़ अफराद की अक्ल तो ज़ाहिर हो जाती है बाज़ की अक्ल कमज़ोर पड़ जाती है तो मतलब गुस्से का इलाज भी इल्म अखलाक में बताया कि इंसान अपनी जो हालत है वो चेंज करना चाहिए हाँ यहाँ पर एक अखलाकी नुक्ता भी बताना ज़रूरी है जब इंसान गुस्से में आ जाए तो गुस्सा ख़त्म करने के दो अहम तरीके हैं एक ये है कि इंसान जिस हालत में है उस हालत को चेंज करे मसा अगर खड़ा है तो बैठ जाए तो इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा अगर बैठा हो तो खड़े हो जाए और दूसरी हालत ये है कि कहते हैं फौरन वुजू करो तो चूँकि गुस्सा जो है गर्म है वुजू के पानी की वजह से ठंडा हो जाएगा हाँ ये तजुर्बा है उलमा अखलाक ने बताया है तो गुस्सा जो है इंसान को तबाही में और बर्बादी में डालने वाली चीज़ है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा इतना गुस्सा करे ग़ज़बन यरफ़ क़स्दुहु इलैही नज़र करने की तरफ उसका इरादा ही ख़त्म हो जाए तो वो भी सही नहीं होगा नज़र मुनाक़िद नहीं होगा क्योंकि क़स्द नहीं है ये सब जो है वल क़स्दु के कैद से खारिज हो गए वलल काफिरी मुतलकन यानी वला यनअक़िदु नज़्रुल काफिरी मुतलकन मुतलकन काफिर का नज़्र भी मुनाक़िद नहीं होगा बातिल है क्योंकि हमने इस्लाम की शर्त रखा है क्यों काफिर का नज़्र मुतलकन काफिर मुतलकन काफिर का मतलब समझ आ रहा है काफिर के भी अकसाम है ना काफिर ज़िम्मी हो काफिर हाकी हो यहूद नसारा हो या मुशरिक हो हिंदू हो जो भी काफिर हो हर किस्म के जो काफिर है उनका नज़्र दुरुस्त नहीं है क्योंकि लतअज़्ज़ुर क़ुर्बत अला वजहिहा मिन्हु क्योंकि काफिर की तरफ से कस्द क़ुर्बत अपने तरीके पर सही नहीं वाक़े होना मुमकिन नहीं है ताज़ुर है क्योंकि चूंकि कुछ काफिर तो अल्लाह को ये नहीं मानने वाला है हाँ।
कुछ काफिर जो है अल्लाह को तो मानता है लेकिन शिर्क और खुदा के साथ शरीक करार देते हैं, जिस तरह ईसाई जो है तीन अल्लाह को मानते हैं। हाँ, अल्लाह एक भी है कहते हैं, तीन भी है, हाँ, बाप बेटा रूहुल कुदूस कहते हैं, हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा करार देते हैं। तो ये लोग तो काफिर जिम्मी है, एक बाप हो गया, एक बेटा हो गया, और तीसरा रूहुल कुदूस कहते हैं। रूहुल कुदूस वो कौन है? हाँ, अब वो कौन है पता नहीं, उनसे पूछना पड़ेगा। अगर ऐसा ही उसे कोई सवाल करे, भाई ये कैसे होता है कि एक चीज एक भी हो तीन भी हो सकता है? ये तो अकल कबूल करने वाली चीज नहीं है ना। अगर एक चीज तो एक है तो तीन नहीं है, तीन है तो एक नहीं है, यानी बॉडी एक है उसके ऊपर सर। हाँ, तो इस तरह नहीं है। वो जवाब में कहेंगे कि भाई ये तो अकल की बातें नहीं, ये मानने की चीजें कहते हैं। हाँ, ये जवाब ये देते हैं कि ये तो अकल में आने वाली चीज नहीं है, लेकिन मान लो बस। तो हम भी जवाब देंगे कि ये भी अकल की चीज नहीं है, क्योंकि इस्लाम में जो भी अहकाम और अकायद है वो तो दलील अकली और इंसान के अकल से हम आहंग फितरत से मुताबिक है। लेकिन जो इस्लाम के अलावा जो फिरके हैं वो तो खुराफाती है ना, जो हकीकी दीन मसीहियत हजरत ईसा ने जो दिल लाया था वो तो उन्होंने मसख किया है और किताबी इंजील में तहरीफ किया है। तो बहरहाल ऐसी बातों को मानते हैं जो अकल कबूल ही करती है। अगर उन पर एतराज करें तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, अकली जवाब नहीं है, बल्कि वो कहते हैं भाई ये मान लो, मानने की चीज है, चाहे आपके अकल माने या ना माने, इस अकीदों को पकड़ के रखो, अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा, काफिर हरबी हो या जिम्मी हो, काफिर का नजर मुनाकिद नहीं होगा। वजह बता दिया, लिताअज्जुर अल-क़ुर्बत अला वजहा मिन्हु, क्योंकि काफिर की तरफ से कस्द क़ुर्बत अपने सही तरीके पर वाक़े होना मुमकिन नहीं है। वइन इस्तुहिब्ब लहुल वफ़ाउ बिही लव अस्लमा, और शहीद कह रहे कि काफिर कुफ्र के हालत में नजर किया है तो नजर तो गलत है, अम्मा अगर यही काफिर बाद में मुसलमान हो जाए, इस्लाम कबूल करे, अल्लाह ने उसको राह रास की हिदायत किया, अल्लाह ने तौफीक दिया कि वो मुसलमान बन गया। अब मुसलमानों में से कौन सा फ़िरका बन गया ये भी पता नहीं है ना, क्योंकि आजकल कोई भी मुसलमान बने तो दूसरा फ़िरका उसको काफिर नहीं कहेगा। हाँ, कुफ्र की हालत से तो नहीं निकलेगा ना, अगर शिया हो जाए तो दूसरे फ़िरके उसको काफिर कहेंगे, अगर देवबंदी हो तो बरेलवी उसको काफिर कहेंगे। मतलब ये है कि इस्लाम के दायरे में तो आ गया, तो इस्लाम के दायरे में आने के बाद जो कुफ्र के हालत में नजर किया है उसको पूरा करना बेहतर है, वाजिब तो नहीं है, हालत कुफ्र में जो नजर किया है उसको वफा करो अच्छा है। وَإِنْ اسْتُحِبَّ لَهُ الْوَفَاءُ بِهِ, اگرچہ اس کافر کے لیے نظر کی وفا کرنا بہتر ہے, مستحب ہے, لَوْ أَسْلَمَ, اگر کافر مسلمان ہو جائے, وَلَا نَظْر وَلَا يَنْعَقِدُ نَظْرُ الْمَمْلُوكِ, عبارت وہاں سے مربوط ہے۔ اور آخری جو شرط ہم نے بتایا, حریت, آزاد ہونا چاہے, بندہ آزاد ہو تو نظر کرنا درست ہے, اگر غلام ہو تو نظر صحیح نہیں ہے, غلام ہو یا کنیز, چونکہ مملوک معنی عام ہے, ہاں صرف غلام کی بات نہیں ہے, کنیز بھی شامل ہے۔ تو اگر کوئی غلام یا کنیز نظر کرے تو نظر منعقد نہیں ہوگا, نظر باطل ہے۔ الا یجیز المالک, الا کے بعد جو ہے تین صورتیں ہم نے بتایا, خلاصے میں بتایا تھا, اگر آپ کو یاد ہے تو ابھی بتایا, شہید اس کی تفصیلات دے رہے ہیں کہ اگر غلام نے نظر کیا تو تین صورتوں میں صحیح ہے۔ ایک یہ ہے کہ مالک پہلے سے اجازت دیا ہوا ہے, جی مالک نے, مولا نے پہلے سے اجازت دی ہے, ایڈوانس اجازت دیا ہے تو ٹھیک ہے, نظر صحیح ہوگا۔ الا یجیز المالک قبل ایقاع صیغته, الا یعنی کہ غلام اور مملوک کا نظر صحیح ہے, یجیز المالک, مالک اور مولا نے اجازت دیا ہے, قبل ایقاع صیغته, صیغہ نظر انجام دینے سے پہلے پہلے اذن دیا ہے, ہاں اصطلاح سے صحیح, تو اجازت تو بعد میں ہوتا ہے, اذن پہلے ہوتا ہے۔ او بعده علی المختار عند المصنف, یا صیغہ نظر کے واقع کرنے کے بعد اجازت دی ہے, اس وقت بھی صحیح ہے نظر, عند المصنف, مصنف کی نظر, ہاں علی المختار عند المصنف, یہ مصنف کا قول مختار ہے, مصنف نے یہ قول انتخاب کیا
अगर गुलाम सिरे नजर अंजाम देने के बाद मौला ने इजाजत दिया तो उसका नजर सही होगा। एक एक मौलवी तो ये हो गया, मौला सिरे नजर से पहले इजाजत है या बाद में इजाजत दे तो बहरहाल उसका नजर सही होगा। औ तजूला रक्तियतु, ये औ तजूला आयु जीजा पर अतु है, इल्ला अन अन इस पर भी आएगा ना, औ तजूला पर औ तजूला रक्तियतु कबल अल हल, या गुलाम की गुलामी खत्म हो गई, रक्तियत यानी ममलूकियत खत्म हो गई, कबल अल हल यानी सिगे नजर को तोड़ने से पहले, यानी मौला ने गुलाम को आजाद कर लिया, सिगे नजर पहले से गुलाम ने पढ़ लिया है, तो अगर मौला ने अभी तक उसके नजर को बातिल नहीं किया है, बातिल करने से पहले मौला ने उसको आजाद कर लिया तो नजर मुनाकिद हो जाएगा। हाँ तजूल तो कबल हल जवाल मान, क्यों नजर सही होगा, क्योंकि यहाँ जो रिकावट है मान है वो खत्म हो गया है, मानियत क्या है उसका ममलूक होना है, अब तो आजाद हो गया तो ममलूक नहीं है, शख्स आजाद शुमार होगा। वल अक्वा वुकूहु बिदून इज्न बातिलन, अब शहीद सानी यहाँ से फरमा रहा है अब ये गुलाम का मसला खत्म करना आनी चाहिए, वह इज्न ज़ौज तक लाना है, आखिरी बार में आपको दिखाता हूँ, वह इज्न ज़ौज का इज्न सैयद, हाँ ये महलबास यहाँ से मौजू अलग हो जाएगा, हाँ दो लेन है इसको सुनो, मसला आसान है इतना मुश्किल नहीं है जी। शहीद सानी का फतवा ये है कि वल अक्वा वुकूहु बिदून इज्न बातिलन, मुसन्निफ ने तो कहा अगर मौला ने बाद में इजाजत दिया तो सही होगा, शहीद सानी इसको नहीं मान रहा, शहीद सानी कह रहा है कि हमारा नजरिया ये है कि गुलाम ने मौला के इज्न के बगैर मौला से पूछे बगैर नजर किया है तो मुतलकन बातिल है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो हर सूरत में सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीयत ने मुतलकन माहियत को नफी किया है, जब माहियत नफी करे यानी असलन नजर नहीं सही नहीं है कहा, ला नजरा माहियत नजर गुलाम से मुंतफी किया, जब माहियत मुंतफी हो तो उस सूरत में माहियत और हकीकत मुंतफी होना नफी सेहत पर हमल करते हैं, ये उसूल में एक बहस है अगर आपने पढ़ा हो मबाहिस मुजमल और मुबैन की बहस में शायद आया है कि शरीयत में कुछ अहकाम है या अहादीस है जिसमें किसी चीज़ की हकीकत को नफी करते हैं, मिसाल कहते हैं कि ला सलात इल्ला बि फातिहतिल किताब, इस तरह का यानी कोई नमाज नहीं है मगर सूरह फातिहा के बगैर, सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज ही नहीं है कहते जी, हाँ तो ये ला सलाता सलात को नफी किया ना लाइन अफिजुल्स के जरिए से, तो अगर कोई सूरह फातिहा के बगैर नमाज पढ़े तो नमाज तो है ना, तो यहाँ पे इस हदीस को तावील करते हैं ला सलाता सही हतन, यानी नमाज सही नहीं है फातिहा के बगैर, हकीकत नमाज तो अंजाम हो गया है ठीक है, लेकिन यहाँ हदीस में जो आया है वो हकीकत नमाज को नफी नहीं कर रहा है बल्कि नमाज की सेहत को नफी कर रहा है, मतलब ये है कि कोई सूरह फातिहा के बगैर नमाज पढ़े तो वो नमाज सही नहीं है, ये मुराद है ना, इनकी नमाज ही ना हो, नमाज तो उसने पढ़ लिया है, अब नमाज क्या है गलत है ये मतलब है, बस हमारे महलबाज में भी हुक्म ये है कि गुलाम की नजर ही नहीं है कहा, ममलूक की नजर नहीं है, माहियत नजर मुंतफी हो गया, तो माहियत नजर तो अंजाम दिया है गुलाम ने, तो आप माहियत को कैसे नफी करेंगे, तो जवाब में कहते हैं भाई यहाँ माहियत नफी करने का मतलब सेहत को नफी करना है, यानी नजर सही नहीं है, गुलाम का नजर सही नहीं है, बस शहीद इंसान का कौल यही है और इसकी दलील भी बता दिया, अभी वरत देखो वल अक्वा वुकूहु बिदून इज्न बातिलन, और कौल अक्वा यह है कि मौला के इज्न के बगैर मुतलकन उसका नजर बातिल है, गुलाम का नजर बातिल है, लिनफी माहियती ही फिल खबर, क्योंकि रिवायत में माहियत नजर को नफी किया है, अल महमूल अला नफी सिहती, और इस नफी
माहियत को हमल किया जाएगा। अल महमूल ये खबर खबर की सिफत है, यानी वो खबर जो रिवायत नफी नजर माहियत के लिए आया है उसको नफी सेहत पर हमल किया जाएगा, क्योंकि लिअन्नहु अक़रबुल मजाज़ात इलल हक़ीक़ति, क्योंकि यही नफी सेहत पर हमल करना मानाए हकीकी के सबसे नज़दीक मजाज है। क्योंकि अगर एक लफ्ज़ के कई मानाए मजाजी हो तो उनमें से कौन सा मानाए मजाज लेना है जो हकीकत के ज़्यादा नज़दीक हो, तो हकीकत के नज़दीक वाला माना नफी सेहत है, तो नफी सेहत पर हमल करना ठीक रहेगा। हैसु ला युरादु नफ्युहा, उस जगह में मजमाने मजाजी पर हमल करना है जहाँ पे खुद माहियत का नफी करना मुराद न हो, खुद माहियत को नफी नहीं कर सकते हैं तो किस बात पर हमल करना है, नफी सेहत पर हमल करना है। मतलब ये नजर सही नहीं है ये कहना है नहीं कि नजर जो है अंजाम भी हुआ, नजर तो अंजाम हुआ है, गुलाम ने नजर तो कर लिया, अम्मा उसका नजर गलत है। وعموم الامر بالوفاء بالنذر مخصوص بنذر المذكور كما دل عليه الخبر لا بنذره مع النهي। بس ये यहाँ पे कुछ तफसीरात है, इंशाल्लाह इसको कल पढ़ेंगे। मैं तो चाहता था कि यहाँ तक लाऊं वरना तफसीलात ज्यादा होने वाली है, इसलिए हम यहीं पे रोक लेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।